नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी विलमार के बारे में। अडानी विलमार कंटिन्यू, इसमें देखिए रोज गिरावट देखने को मिल रहा है, तो इसमें कोई खराब न्यूज़ नहीं आया है। न्यूज़ ना ही खराब आया ना अच्छा, ये जो प्रेशर आ रहा है वो निफ्टी का आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी सभी जो है ना इलेक्शन की वजह से एक तरह से ना वॉलिटिलिटी भी में ही आ गया, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, इस वजह से दबाव इसमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अभी चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल है ना वो 320 रुपये का है, और अभी मार्केट कितने ट्रेड कर रहा है तो 331 पे कर रहा है। मतलब मोटा मोटा जो बात किया जाए तो 11 पॉइंट तक का एक ना गैप है जो हमको एक सपोर्ट लेवल का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए एक जब गिर रहा था मार्केट तो यहाँ से ही पुल बैक देखने को मिला, फिर बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट लिया तो अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला। तो सेम चीज़ है, गिरते हुए मार्केट में कभी भी एक तरह से सपोर्ट बना रहा है तो एक रेंज बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए तो ये एक भी एक सपोर्ट लेवल है। जैसे यहाँ पे देखो ये कि ना यहाँ पे जब गिरावट हो रही थी ये लेवल था, यहाँ से फिर पुल ब्रेकआउट लिया अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक तरह से पुल बैक सपोर्ट लिया अपसाइड गया, यहाँ पे भी अपसाइड गया। तो जो एक लेवल है ना 331 से लेकर 320 तक बहुत ही अच्छा लेवल है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता है तो बहुत ही अच्छा अपसाइड रिटर्न दे सकता है। तो पहला टारगेट कितना होगा, तो पहला जो है ना 345 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट ना 363 तक का देखने को मिल सकता है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर बार तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।